कुरकुरी चिक्की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पीनट्स ले लिए हैं और ये कच्चे पीनट्स हैं, तो इनको हमको रोस्ट करना होगा थोड़ी सी देर के लिए। तो ये जो है पहली टिप है कि आपको पीनट्स को हमेशा रोस्ट करना होगा हल्का सा, धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से क्रंची होने तक जो है रोस्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि चिक्की आपकी बहुत ही क्रंची बनेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, तो यहाँ पे 1 कप के करीब ही गुड़ लिया है। तो जितनी हमने पीनट्स लिए हैं उतना ही गुड़ लेना है, रेशो आपको बिल्कुल एक जितना रखना है। इससे भी बहुत ही टेस्टी जो है चिक्की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है 4 से 5 चम्मच के करीब, और गुड़ को हमें जो है मीडियम आंच पे पिघला लेना होगा। तो पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपका गुड़ जलेगा नहीं और अच्छे से पिघलेगा। तो ये सारी टिप्स का ध्यान रखिएगा। ये देखिए गुड़ तो अच्छे से पिघल गया है, लेकिन ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुंचा है कि नहीं, इसको जांचने के लिए मैंने यहाँ पे ठंडे पानी की कटोरी में 1 से 2 बूंद के करीब गुड़ डाल के देखा है। सावधानी से डालिएगा, ये बहुत गर्म होता है। तो अभी ये सॉफ्ट लग रहा है, तो अभी हमें गुड़ को कम से कम 4 से 5 मिनट और पकाना है धीमी आंच पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं गुड़ को लगातार चलाते हुए पकाती जा रही हूँ और आप देख सकते हो गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होती जा रही है। मतलब गुड़ की जो आपको स्टेजेस हैं वो अलग सी दिखेंगी। तो जब तक गुड़ आपका थोड़ा सा डार्क कलर का और झागदार नहीं होता है जैसे बीटन कॉफ़ी होती है, तब तक आपका गुड़ बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो इसको लगातार इस तरीके से चलाते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको एक बार फिर से चेक कर रही हूँ, ये अभी भी हल्का सा जो है सॉफ्ट लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा और पकाना है इसको। ये देखिए ये झागदार बीटन कॉफ़ी जैसा हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। तो अब ये तैयार हो गया है अच्छे तरीके से गुड़ हमारा, और अब इसके अंदर हम ये पीनट्स डाल देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर मैं 1/2 छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अभी भी हमें थोड़ी सी देर मिक्स करना है। कम से कम 1 मिनट तक इसको पीनट्स डालने के बाद मिक्स कीजिए, इससे भी जो है ये क्रंची बनता है, इसमें रेशे बन जाते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से किचन जो हमारा वर्किंग एरिया होता है इस पर ऑयल डाल दूँगी और हम इसको फैला लेंगे, और ये फटाफट से डाल के हाथ से भी दबाइए और उसके बाद इसको फटाफट से आप बेल लीजिए, बेलन पे भी अच्छे से ऑयल लगा दीजिएगा। तो ये किचन फ्लोर पे जो है अच्छे तरीके से जम जाता है और थोड़ी सी देर में ही आप इस तरीके से मार्किंग बना दीजिए और आपकी ये चिक्की बनके तैयार हो जाएगी। मार्किंग बनाने से अच्छे से पीसेस भी निकल आते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी ही क्रंची कुरकुरी सी पीनट चिक्की बनती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको शाही तिल गजक बताती हूँ। ये भी सर्दियों की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पेशल रेसिपी है और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने तिल ले लिए हैं और सफ़ेद वाले, और बिल्कुल फ्रेश तिल लीजिएगा, पुराने वाले तिल मत यूज़ कीजिएगा। तो 2 कप के करीब यहाँ पर मैंने साफ़ किए हुए तिल ले लिए हैं कढ़ाई में। इनको हमको कम से कम 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी आँच पर रोस्ट करना होगा और लगातार चलाते जाइए, तिल बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से धीमी आंच पे आप इनको रोस्ट कीजिए, और इससे क्या होगा इनका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा और जो है हमारी गजक बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे 1 कप के करीब गुड़ ले लिया है मैंने, और यहाँ पे देखिए 1/2 कप के करीब गुड़ और डाला है मैंने, तो इन टोटल 1.5 कप के करीब मैंने गुड़ डाला है। 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और इसको अभी हमें मेल्ट करना होगा गुड़ को। तो गुड़ की जो स्टेजेस हैं वो भी इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए आप इसको लगातार चलाते जाइए, पहले गुड़ पिघलेगा, उसके बाद ये जो है चाशनी बननी शुरू होगी, थिक होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से देखिए झाग बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं कटोरी में डाल के इसकी जो स्टेज है वो देख रही हूँ, अभी भी ये चिपचिपा है और बिल्कुल ये रबड़ जैसा है, तो अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको तैयार होने में। इसको अभी हमें लगातार धीमी आंच पे और सेकना है। ये देखिए बिल्कुल बीटन कॉफ़ी की तरह झाग बन गया है इसमें, और मैंने इसको ठंडे पानी में डाल के देखा और ये टाइट हो गया है। तो हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, मैंने इसमें तिल भी मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद इसके अंदर 1/4 चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी डाल दिया है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे हम थोड़ी सी देर के लिए। इसके बाद ये देखिए किचन फ्लोर पे जो आपका वर्किंग एरिया होता है इस पर मैंने फटाफट से तेल लगा के और इसको निकाल लिया है। अभी हमें इसको जो है तोड़ना है, बेलना नहीं है, इसको हमें फटाफट से तोड़ लेना है, टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं।
ये देखिए इस तरीके से मैंने पहले इसको पतला किया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हाथ से इसको तोड़ लेंगे इस तरीके से, देखिए। और जैसे ही ये टूट जाए और आपको लगे कि हल्का सा ठंडा हो गया है तो आप इसको मिक्सी जार में डाल के इस तरीके से देखिए बारीक पीस लीजिए। धीरे धीरे रुक रुक के मिक्सी को चलाइएगा तो आपका जो इस तरीके का चूरा बन के तैयार हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पोर्शन होगा उसको आपको ज़्यादा देर तक चलाना होगा ताकि इस तरीके से जो तिल है वो अपना ऑयल छोड़ दे। तो ये जो तरकीब है इससे ही आपका जो है ये गजक सेट होगी, यही बाइंडिंग के लिए काम आएगा हमारे को। तो आपको ध्यान रखना है सारे को आपको रुक रुक के पीसना है, लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसको आपको ज़्यादा देर पीसना है ताकि तिल का जो है ऑयल बाहर आ जाए और उससे बाइंडिंग हो जाएगी आपकी गजक में। इस तरीके से देखिए ये स्क्वायर टिन में डाल दिया है मैंने, ऊपर से मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भी लगा दिए। अब इसको ग्लास से पिचका देंगे, किसी भी राउंड सरफेस वाली चीज़ से पिचका दीजिए। और उसके बाद फटाफट से ये देखिए इसके छोटे छोटे पीसेस हम काट लेंगे शार्प नाइफ से, और ये फटाफट से सेट हो जाता है। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं इसको सेट होने में। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी तिल की गजक बन के तैयार हो गई है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आई होप आपको आज की सर्दियों की स्पेशल दोनों रेसिपियाँ बहुत पसंद आई होंगी।